Good morning, dear children. Welcome back to your English 1 class. Dear students, today we will do reading of next two paragraphs. One is for dinosaur and one is for the child. One is for the child. Okay, let's start. Who are you? Who are you? I am a dinosaur. I am a dinosaur. What makes you special? What makes you special? I have the sharpest spikes. I have the sharpest spikes of all the dinosaurs in the world. Of all the dinosaurs in the world. Now, what is spikes? What are spikes? Spikes kya hote hain? शार्प लिटल हॉर्न्स, ये आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसके हॉर्न्स जो हैं यहाँ पे, है ना, हॉर्न्स, सींग जिसको बोलते हैं, हम यहाँ पे हॉर्न्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो दीज हॉर्न्स आर वेरी शार्प. मैम आपको बोलते हैं ना, ऑलवेज राइट विद द शार्प पेंसिल, द पॉइंट शुड बी शार्प, है ना, ये शार्प होनी चाहिए आपकी पेंसिल. तो सेम वेज इट्स डायनासोर्स स्पाइक्स आर वेरी शार्प. Okay, so this dinosaur is saying ki I have the sharpest spikes of all the dinosaurs in the world. Sabse zyada sharpest spikes mere hain pure dinosaurs mein se. Theek hai? North, south, east, west. North, south, east, west. Of all the dinosaurs, I am the best. Of all the dinosaurs, I am the best. Now let's see. Who are you? Who are you? I am a child. I am a child. What makes you special? What makes you special? I am me. I am me. There is only one me in the world. There is only one me in the world. I am me. मतलब मैं तो मैं ही हूँ, है ना. अब फॉर एग्जाम्पल आप राहुल हो, रोहन हो, सिया हो, टीना हो, आप तो एक ही हो ना, आपके जैसा कोई और तो नहीं हो सकता है ना. जैसे मैम है, मैम आपको पढ़ाते हैं, तो मैम ही है, मैम के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता. मैम की क्वालिटीज़ कुछ और हैं, आपकी क्वालिटीज़ कुछ और हैं. आप किसी चीज़ के लिए फेमस हो, सभी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, है ना. तो सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. हमें अपने आप में ही खुश होना चाहिए, दैट आई एम मी, मैं ही हूँ. ओके, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही अपने जैसी हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है. ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. North, south, east, west. I don't have to be better than the rest. I don't have to be better than the rest. Right? ऊपर आपने जितने भी reptiles, animals, birds की बात की है, जो हमने रीडिंग की है, उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी एक स्पेशलिटी बताई है कि आई हैव दी शार्पेस्ट स्पाइक्स, आई हैव दी यम्मीएस्ट हनी, आई कैन मेक दी यम्मीएस्ट हनी, आई कैन रन वेरी फास्ट. ओके, आई हैव दी बिगेस्ट फनी. वेल क्या बोल रही है कि मेरे तो सबसे बिगेस्ट टमी है. ऐसे ही फ्रॉग बोल रहा है कि आई कैन हॉप दी हाइएस्ट, है ना. लेकिन जो हम हैं, आप बॉय हो, गर्ल हो, मैं टीचर हूँ, तो हम ही हैं. हमें किसी दूसरे के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ आर सेल्स. वॉट एवर आर वीकनेसेस आर, जो भी हमारी वीकनेसेस हैं, उनको हमें इम्प्रूव करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर राइटिंग इज़ नॉट गुड, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप राइटिंग पे फोकस कीजिए, अपनी राइटिंग इम्प्रूव कीजिए. इफ़ योर रीडिंग इज़ नॉट गुड, आपको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, आप धीरे धीरे रीड कर पाते हो, लेकिन बेटा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, व्हेन यू विल बी इन दी प्रैक्टिस, यू विल डू प्रैक्टिस डेली, यू विल इम्प्रूव इट डेफिनेटली. आप ज़रूर उसको इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है. सो आई डोंट हैव टू बी बेटर देन दी रेस्ट. टुडे आर लेसन रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन इज ओवर. आई शेयर यू दी वर्ड्स एंड मीनिंग्स. सो कंप्लीट योर वर्क इन दी नोटबुक विथ शार्प पेंसिल एंड विथ गुड हैंड राइटिंग. ओके चिल्ड्रेन, एंड सेंड मी दी पिक्स एज वेल. नाउ टेक केयर, बाय बाय.